हेलीकॉप्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस हत्या में देश भर के मेडिकल छात्र नाराज हैं और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल कर ऐलान कर दिया है, जिसका असर सोमवार को पटना से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और पटना तक डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध जताया। घटना के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसका असर राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देखा। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया और ओपीडी सेवा को भी ठप करा दिया। नाराज जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पटना में इस घटना के विरोध में आईजेएमएस के डॉक्टरों ने मार्च निकाला। विरोध मार्च में शामिल डॉक्टर इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखे। तो डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, ऐसे भी किसी भी कॉलेज के कैंपस में घुस के अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है वो सब ठीक नहीं है। सिक्योरिटी थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और आगे से ऐसा कोई भी चीज नहीं हो ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। डॉक्टर पूरे मामले पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से मांग कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी गई है। फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टरों की हड़ताल का असर अस्पताल में देखने को मिला। मरीज और उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। कोलकाता में यह हत्या की गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घटना घटी। पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या की गई, जिसके बाद देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। डॉक्टरों की मांग है कि देश में सख्त कानून बने, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों पर हमले की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसे में जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो फिर वो लोगों का इलाज कैसे करेंगे, उन्हें कैसे सुरक्षा देंगे। और जहानाबाद के बाराबर पहाड़ पर बने सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। सावन के चौथे सोमवार को हुई भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। एडीएम आपदा के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिससे 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। सावन की चौथी सोमवारी के दिन जहानाबाद के लोगों को गहरा घाव लगा। मखदूमपुर के वाणावर पहाड़ पर बने सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के नजदीक बड़ा हादसा हो गया। भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं आगे रास्ता, इसी रास्ते में आगे में दुर्घटना हुई है, जो स्टैम्पिंग जो भगदड़ मचा है। ये दर्दनाक हादसा रात के करीब 12 और 1 के बीच का बताया जा रहा है। आसपास के लोग बताते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर भगदड़ मच गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे। इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए और भीड़ में दबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भगदड़ की वजह दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट है। कुछ जो दुकानदार हैं ऊपर में मेले के और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। हादसे में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाणावर हादसे के बाद जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। एडीएम आपदा के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। जांच टीम को 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको हम लोग
लेंगे और उनसे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि जहानाबाद से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर मखदूमपुर के नजदीक वाणावर पहाड़ी है, जिसे मगध का हिमालय कहा जाता है। इसी पहाड़ के ऊपर मंदिर है। सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है, जिसे मगध का बाबा धाम भी कहा जाता है। माना जाता है कि सम्राट अशोक ने गुफा का निर्माण कराया था, जहां जाने के लिए पाताल गंगा इलाके से सीढ़ियां बनाई गई हैं। सोमवार को जलाभिषेक करने जाते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। तो सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में हादसे का सच क्या है वो भी आपको बता देते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगदड़ की वजह से हादसा हुआ है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे और उसकी वजह से मौत हो गई। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि दुकानदारों और स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच में झड़प हुई थी और उसके बाद ही भगदड़ में लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि मौत की वजह असल में क्या है, इन सवालों का जवाब हर कोई जानता है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत कैसे हुई है। रांची में 10वीं के छात्र पीयूष का शव जुमार नदी में मिला, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है। सवाल ये सामने आ रहा है कि दोस्तों को बचाने के लिए पीयूष नदी में कूदा था, लेकिन अब उसके पिता ने मौत के पीछे साजिश का शक जता दिया और जांच की दिशा ही बदल दी है। हुई छात्र पीयूष की मौत, हॉस्टल से नदी में कैसे पहुंचा पीयूष, मस्ती की राह में दबे पांव आई मौत, पीयूष की मौत हादसा या साजिश। रांची के नामी स्कूल मनन विद्या मंदिर के छात्र पीयूष की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 10वीं कक्षा के छात्र पीयूष के पिता ने बेटे की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि शनिवार की देर रात हॉस्टल से पीयूष और उसके चार दोस्त खिड़की के रास्ते ऊपरी तल्ले से उतरे थे और जुमार नदी की तरफ चले गए थे। जांच होना ही चाहिए, है कुछ न कुछ, क्योंकि पानी में डूबने के बाद अभी तक मैंने भी देखा है कि पेट फूलता है अक्सर, लेकिन इस बॉडी का दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ फेस फूल रहा है, चेहरा फूल रहा, बहुत ज्यादा फूला हुआ चेहरा, नीला पड़ गया, जो कि मैंने देखने के मैंने पहचान भी नहीं आ रहा बॉडी, तो इसको तो संदिग्ध है। गया के रहने वाले पीयूष के पिता सेना से रिटायर्ड हैं और बेटे की मौत से इस कदर टूट चुके हैं कि अब वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं कि मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कि जो लोग इसमें जुड़े होंगे मैं उनको भी खत्म ही कर दूंगा, मुझे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो कानून को भी हाथ में ले लूंगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड हूँ, मैंने देश सेवा किया है, मैंने गद्दारी नहीं की। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या बात है कि हॉस्टल से पीयूष अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे जब ये छात्र खिड़की के रास्ते उतर रहे थे और पीछे की बाउंड्री की तरफ से बाहर जा रहे थे? अगर खिड़की पहले से टूटी थी, स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी कि जब 5 लड़के हॉस्टल से निकले तो बाकी 4 कैसे लापता रहे और अकेला पीयूष का शव नदी में क्यों मिला? 4 इंच का गैप है, लेकिन एक रड हटा हुआ है जहाँ पे 8 इंच का गैप बन गया है। वो गैप मतलब स्कूल प्रबंधन ने छोड़ा या बच्चों के द्वारा बनाया? बच्चों के द्वारा बना होगा मे बी, अभी हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे यहाँ। माता पिता जब स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं तो वे भरोसा करते हैं कि हॉस्टल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, ठीक से रहेगा और पढ़ाई करेगा। ऐसे में पीयूष के साथ हुई घटना से स्कूल प्रबंधन भी आहत है, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कर रहा है। इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर आगे और भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो हमारा मेन है कि हम लोग इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ पूरा खड़ा होकर के उसमें उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। यही वो जगह थी जहां से बच्चे जो हैं वो 5 बच्चे एक एक करके निकले हैं, 12 से 1 बजे के करीब जो ये बच्चे जो हैं वो यहां से निकले हैं,
फिलहाल स्कूल प्रबंधन भी अपने स्तर से तमाम चीजों की जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने स्कूल प्रशासन के बातों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। तो खबर तो समझिए, मैं आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।